हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रीन पैराडाइज में। तो आज का हमारा विषय है मोगरे के पौधे की देखभाल कैसे करें और उसे कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोगरे का पौधा एक लोकप्रिय फूल है जिसे दुनिया भर में इसकी अनोखी खुशबू के लिए उगाया जाता है। किसानों द्वारा इसे सजावटी या सजावटी पौधे के रूप में बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मुनाफा होता है। इसके मीठे सुगंधित स्वाद के लिए मोगरों के फूलों की पंखुड़ियाँ कुचल दी जाती है और पाउडर, साबुन, तेल, फेस क्रीम, बॉडी लोशन और सुगंधित स्प्रे जैसे कई वाणिज्यिक सौंदर्य उत्पादनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप पॉट में मोगरा उगाते हैं तो उन्हें गर्म स्थान पर रखना पसंद करें। मोगरे की अधिकांश किस्में अच्छी तरह से उपजाऊ मिट्टी के साथ आंशिक छाया के लिए पूर्ण सूर्य को पसंद करती है, लेकिन अत्यधिक गर्म और ठंड परिस्थितियों में ये मर सकते हैं। मोगरे का पौधा सीधा धूप के संपर्क में आने पर इसकी पत्तियों में फ्लोरीजन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है। यह दिन के दौरान पत्तियों से फूलों के अंकुर में फ्लोरीजन हार्मोन को स्थानांतरित और जमा करता है और रात में सुंदर सुगंधित फूलों को प्रेरित करता है। इसीलिए ज़्यादातर मोगरे के फूलों में रात में ब्लूमिंग हो जाता है। मोगरे का पौधा कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों के लिए तब तक विषैला नहीं होता जब तक कि वो पौधे के पत्तों और फूलों जैसे खाद्य भागों को इंजेक्ट नहीं करते। इससे उल्टी, दस्त और एलर्जी जैसे कुछ नकारात्मक साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसका मतलब नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की कमी हो सकता है। मिट्टी में रोपण करने के तुरंत बाद पौधे को पानी देना चाहिए। पौधे को रोजाना सुबह जल्दी थोड़ी मात्रा में या साप्ताहिक रूप में भारी मात्रा में पानी दें। सुनिश्चित करें कि पौधे को पानी देने से पहले मिट्टी पूरी तरह सूखी हो। मोगरे का पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी 200 से भी अधिक प्रजातियाँ दुनिया भर में पाई जाती है। दोस्तों, ये मैं एक लोकल नर्सरी से पौधा लेके आया हूँ। ये मुझे 40 रुपीज़ में मिला है। ये अभी कली पे है तो लगाने के तुरंत बाद ये मुझे फ्लावरिंग देना चालू करेगा। पौधा लगाने से पहले इसका ध्यान ज़रूर रखें कि पॉट्स में प्रॉपरली होल्स हो ताकि वाटर स्टैग्नेशन होने की संभावना कम हो जाए। मैंने इसके मिट्टी में 60% सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड यूज़ की है। पॉट की साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ही पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। कटिंग से मोगरा तैयार करने के लिए एक हेल्दी सेमी हार्ड स्टेम जो इसी साल में निकली है उसे सिलेक्ट करें। ऐसे तने की तलाश करें जो हरा हो और जिस पर पत्तियां निकली हो। इसे अभी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कटिंग में से नीचे के पत्तियों को निकाल दें ताकि वाटर एवेपोरेशन रेट कम हो सके। अच्छा होगा कि आप तने को ठीक पत्तियों के नीचे से काटें। अगर आप ठीक लीफ नोड के नीचे से काटते हैं तो उसमें से हेल्दी स्प्राउट निकलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक लीफ नोड एक पिंड जैसा होता है जहाँ से पत्तियाँ उगती है। कटिंग के निचले भाग से सारी पत्तियाँ निकाल दें। आप चाहे तो टॉप में कुछ पत्तियाँ रख सकते हैं। आप चाहे तो कटिंग से पत्तियों को काट सकते हैं या फिर अपनी उंगलियों से उन्हें तोड़ सकते हैं। ज़्यादातर पत्तियों को निकालना जड़ों और पत्तियों के बीच ग्रोथ को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर किसी कटिंग में फूल लगे हो तो आप उन्हें भी निकाल दीजिए। अपने कटिंग को रूट हार्मोन में डुबाएं और उसे पॉली बैग में या पॉट में लगाएं। रूट हार्मोन पाउडर या जेल फॉर्म में आते हैं। रूट हार्मोन तेज और स्ट्रांग रूट ग्रोथ को बढ़ावा देता है। कटिंग को पॉलीथीन बैग में डालने से पहले पेंसिल के मदद से या लकड़ी की मदद से अच्छे से होल करके ले लें। कटिंग को थैली में लगाने के बाद उसे अच्छे से मिट्टी से दबा लें। कटिंग में से जड़ें निकलने के लिए 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर आपके कटिंग में 6 महीने के बाद भी जड़ें नहीं निकलती है तो शायद उसकी रूटिंग प्रोसेस फेल हो गई है।
आप नई कटिंग के साथ दोबारा कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।